मेरठ के थाना परतापुर के छज्जूपुर गांव में खेल खेल में बच्चों में विवाद हो गया। आरोप है कि एक बच्चे की मां ने दूसरे बच्चे को पीटा और उसकी आंख तक फोड़ दी। इसकी जानकारी लगने पर घायल बच्चे के परिवार के लोगों ने हंगामा किया। बच्चे को CHC में भी भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि खेलते समय किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। आरोप है कि बच्चे की मां और पिता ने समीर के मां और पिता को अपने घर बुलाया, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई, जिसमें समीर के साथ महिला ने मारपीट कर दी। आरोप है कि महिला के हाथ में कोई नुकीली चीज थी, जिससे समीर के आंख पर प्रहार किया गया। इसकी जानकारी लगते ही गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, लोगों ने हंगामा कर दिया। नाम रिजवान है, मेरा नाम रिजवान है। इसे घर में बुलाया, घर में बुलाने के बाद पहले तो सबने मारा इसे। मारने के बाद इसकी आंख में ईंट मारी और ईंट मारने के बाद में फिर इसे घर से धक्का दिया, आंख डैमेज कर दी बिल्कुल। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कह दी जी आँख खराब होगी बिल्कुल, अब डैमेज है, कुछ नहीं होगा इसका। सर ये जो थाना प्रतापुर क्षेत्र में छज्जूपुर में एक बच्चे की आंख फोड़ी गई है, पूरा मामला क्या है? आपसी विवाद में और मारपीट में एक बच्चे की आंख में चोट लगी है, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अभियुक्तों की शीघ्र ही गिरफ्तारी करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें कितने आरोपी बताए जा रहे हैं? जो तहरीर प्राप्त हुई है उन सभी का जिसका जो दोष होगा उस दोष के आधार पर उनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।